पत्नी को ऑल आउट पिलाकर जान से मारने की कोशिश। मेरठ में एक बार फिर दहेज के लोभी पति ने अपनी पत्नी को दहेज की मांग पूरी ना होने पर जहरीला पदार्थ पिलाकर मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई है। जहां पर आपको बताते चले कि यहां पर बताया जा रहा है कि पत्नी रुकेला की शादी निसाड़ा गेट क्षेत्र के सजा कॉलोनी निवासी इमरान से 7 साल पहले हुई थी। आरोपी पति रुकैया से लगातार अपने घर से पैसा मांगने की मांग करता था, जिस पर पत्नी रुकैया दोबारा मना करने पर पति इमरान उसके साथ मारपीट करने लगा, मगर मजबूर पति आखिर अपनी और अपने परिवार के खातिर यहां पर जलाद पति की मारपीट को चुपचाप सहती रही। जब इमरान ने महिला से फिर से अपने घर से पैसा लाने को कहा तो महिला ने मना करने पर आरोपी पति इमरान ने पत्नी रुकैया को मच्छर मारने की दवाई इस्तेमाल करके ऑल आउट पिलाकर जान से मारने की कोशिश की। महिला की हालत बिगड़ने लगी है। महिला ने अपने परिवार वालों को उसकी सूचना दी। बाद में आपको पता चले परिवार वालों ने बेटी की ससुराल पक्ष और निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। जी रुकैया, क्या हुआ आपके साथ? क्या जी? मेरे साथ मारपीट हुई और मुझे जहर पिलाया गया। कौन लोग हैं जिन्होंने आपके साथ मारपीट? जी मेरे शौहर हैं, वही करते हैं और 10-12 दिन से मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं और ये बोलते हैं कि अपने घर से पैसे लेकर आओ। बताओ जी मैं कहाँ से ला कर दूँ? मेरे घर वाले खुद गरीब आदमी हैं। कब से हो रही है आपके साथ ये मारपीट? जी मेरे साथ 10-12 दिन से हो रही है मारपीट। तो आपने 10-12 दिन पहले रिपोर्ट लिखाई थी या नहीं? जी नहीं, बस ऐसे ही बर्दाश्त कर रहे थे। मन का अब भी ठीक हो जाए, अब भी ठीक हो जाए। तो आपको जहर किसने खिलाया? जी शोहर ने खिलाया और सास ससुर जो थे वो बाहर खड़े हुए थे ताकि कोई अंदर ना आए। क्या नाम आपके शोहर? जी इमरान। रिपोर्ट लिखाई है आपने? जी। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? पता नहीं सर, वो तो पापा को पता है। क्या गिरफ्तारी हुई आपके हस्बैंड की? जी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।